अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काजमी के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें इराक से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ऐलान किया कि इस साल के अंत तक इराक में मौजूद अमेरिकी सेना को वापस बुला लिया जाएगा। हालांकि अमेरिकी सैनिक इराकी सेना को प्रशिक्षण और सलाह देना जारी रखेंगे। इराक में इस समय 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जो स्थानीय सुरक्षा बलों को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ाई में मदद कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों की वापसी इराक के प्रधानमंत्री की मदद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले साल बगदाद में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के कुछ फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से इराक में अमेरिकी सेना की मौजूदगी एक बड़ा मसला बन गया है। ईरान की तरफ झुकाव रखने वाले राजनीतिक दलों ने इस्लामिक स्टेट के खतरे के बावजूद अमेरिकी और उसकी सहयोगी सेनाओं की वापसी की मांग की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति का इराक से फौज बुलाने का ऐलान राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौरान शुरू की गई एक और जंग का अंत माना जा रहा है। इस साल अमेरिका अफगानिस्तान से भी अपनी फौज बुला रहा है।